रोहित शर्मा ने अनाउंस की तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। तीन खिलाड़ियों को किया गया टीम से बाहर। जी हां दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी और कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में अब बस कुछ ही घंटों का समय बच गया है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे वनडे मुकाबले को फाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरीज के दो वनडे मुकाबलों में एक में भारतीय टीम को जीत मिली जबकि दूसरे में इंग्लैंड को जीत मिली है। ऐसे में अब तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल एक एक की बराबरी पर है। तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला है, क्योंकि तीसरे वनडे मुकाबले से ही विजेता का फैसला होगा, क्योंकि जो टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीतेगी वनडे सीरीज भी उसी के नाम हो जाएगी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले से तीन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जिसमें विराट कोहली, शिखर धवन और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। इन तीनों ही खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले से इन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों ये हैं वो खिलाड़ी जो तीसरे वनडे मुकाबले में हमें भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।